फ्रेंड्स, मैं फिरोज बिमन, द वॉच चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज का हमारा संडे स्पेशल शो। हमने लास्ट संडे को एक सवाल किया था, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अपडेट्स। आज माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी जनता को संबोधित किया और उनसे कई सारी डिटेल्स शेयर करी और साथ में कुछ आह्वान भी किया। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उन्होंने बताया है कि अब तक के महाराष्ट्र के अंदर 33,786 केसेस यहाँ पे अभी एक्टिव है कोरोना के, और उन्होंने ये भी कहा कि जो आंकड़ा अगर आप रोज़ देख रहे होगे तो उसके अंदर 47,000 कुछ बताता है, जिसमें से डिस्चार्ज हुए थे अगर हम लोग माइनस करेंगे, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो ठीक होकर घर जा चुके हैं, तो उसको माइनस करेंगे तो ये आंकड़ा आता है 33,786 जो कि अभी एक्टिव केसेस है। और साथ ही उन्होंने ये गुड न्यूज़ शेयर की है कि कोरोना की जंग में एक 6 महीने की लड़की ठीक होकर घर गई है, 6 महीने की बच्ची, और साथ ही एक 90 साल की महिला भी ठीक होकर घर गई है। ये मझगांव का केस था, हमने टॉप 10 में भी पढ़ा था, तो लोग ठीक हो रहे हैं। तो इसके लिए ये एक कहीं ना कहीं अच्छी साइन है कि अगर केसेस बढ़ भी रहे तो कहीं ना कहीं लोग ठीक भी हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो केसेस पॉजिटिव आते हैं तो 2 दिन के अंदर उनका रिपोर्ट आता है कि पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होना है तो वो तकरीबन 14 से 20 दिन का उसका समय लगता है, अगर वो ठीक ठाक है तो भी, क्योंकि उसको मिनिमम 14 दिन तो वो क्वारंटाइन रहता ही है, आइसोलेशन में रखते ही है, और उसके बाद में 2 बार टेस्ट करने के बाद में उनका अगर नेगेटिव आता है तो ही उनको डिस्चार्ज मिलता है। मतलब अगर आप देखोगे कि ये 14 दिन में फिर और लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोलने की बात यह है कि कहीं ना कहीं डिस्चार्ज भी हो रहे, लोग अच्छे हो रहे, रिकवर हो रहे, रिकवरी अच्छी हो रही है, लेकिन रिकवर होने का जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा होने की वजह से हमको जो फिगर है वो कम दिखता है, और हर दो दिन में जो रिपोर्ट्स आ जाती है, अपने स्वैब की रिपोर्ट्स आ जाती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसकी वजह से आंकड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि चिंता की बात नहीं है, हम इसको कंट्रोल करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर कई जगह पे वो लोग ओपन जगह पे, ओपन स्पेस पे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक साथ में इलाज चले। और इसी के साथ उन्होंने एक अपील और की कि आप लोग आगे बढ़े और रक्तदान कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के जो पेशेंट हैं उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और इसके पहले भी उन्होंने ये बात की थी और बाद में कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट हो गया था, तो इसके लिए फिर बाद में मना कर दिया गया था, लेकिन आज फिर उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि आप लोग सब आगे बढ़े और ब्लड डोनेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो प्लाज्मा यूज़ होकर जो ट्रीटमेंट हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हो और वो सब ठीक हो जाए। तो ये सारी बातें उन्होंने आज महाराष्ट्र के लोगों से की। इसके बाद में 2 दिन पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि महाराष्ट्र सरकार इस पैंडेमिक में, इस महामारी में चीज़ों को कंट्रोल करने में असफल हो गई है, और इसके लिए उन्होंने इस्तीफा भी मांगा, उन्होंने और भी कई बातें की, मतलब यहाँ तक ये भी बात आई कि आप लोगों को कांग्रेस और एनसीपी से अलायंस तोड़ देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, ना मैं महाराष्ट्र सरकार के समर्थन में हूँ और ना ही मैं बीजेपी के अपोज में हूँ, लेकिन मैं एक एज ए जर्नलिस्ट या एज ए आम नागरिक, महाराष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा, इस समय महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय महाराष्ट्र को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर इसकी जगह पे बीजेपी वाले आपके सामने से ये बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, कंटेजियस ज़्यादा हो रहा है, तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, भले ही हम अपोजिशन में हैं, लेकिन वो असेंबली में, वो राजनीति मैदान में, और ये राजनीति का मैदान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही संकट की घड़ी है, और हर आदमी जो है परेशानी से जूझ रहा है, इसके अंदर बीजेपी को चाहिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट का हाथ बढ़ाए, ना कि यहाँ पे इस तरह की राजनीति खेले कि इसको ब्लेम करे, उसको ब्लेम करे, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है। अब आते हैं कॉन्टेस्ट के ऊपर। हमने लास्ट संडे को एक क्वेश्चन किया था कि 2nd week of May में हमने किस टॉप 10 में ये पेट्रोल और डीजल के एक्साइज प्राइस के बारे में जिक्र किया था, आपको डेट बतानी थी, और उसका सही जवाब है 6th May। हालांकि वो अपलोड हुआ था 7th May को, क्योंकि वो यूट्यूब पे अपलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, रात हो गई थी, 12 बज गए थे, तो उसमें अपलोडिंग डेट जो है वो 7th May आई थी, लेकिन अगर आप हमारी न्यूज़ में जो डेट देखोगे तो उसमें 6th May था, तो उसका सही जवाब है 6th May। काफ़ी लोगों के सही आंसर आए, इसमें से हमने
टॉप 10 लकी विनर्स को निकाले और वो टॉप 10 लकी विनर्स के नाम आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का सवाल, 22 तारीख को, 22 मई को फ्राइडे के दिन, मतलब परसों के दिन हमने एक वीडियो जारी किया था जिसका टाइटल था काले डामर का सफ़ेद झूठ। इसके अंदर इस वीडियो में हमने जागरूक नागरिक के बारे में जिक्र किया था, तो आप सभी लोगों को उस जागरूक नागरिक का नाम बताना है। बस यही हमारा आज का सवाल है। और फ्रेंड्स, ये सवाल हम इसलिए करते हैं, ये सिर्फ प्राइजेस के लिए और गिफ्ट्स के लिए नहीं करते हैं, हम इसके लिए भी करते हैं कि इससे आप लोग कुछ और सीखे, मतलब आप लोगों के अंदर जो है जानने की इच्छा पैदा हो। जैसे कि हमने ऑयल प्राइसेस के बारे में पूछा था, कमोडिटी मार्केट के बारे में पूछा था, गोल्ड के बारे में पूछा था, और आज हम ये जागरूक नागरिक के बारे में पूछ रहे हैं। आपका जवाब देने का तरीका वही रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है इसका सही आंसर, सही जवाब, और साथ ही साथ आपको आपका नाम और आपका लोकेशन। और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि आपको एक कॉन्टेस्ट नंबर भी मेंशन करना है, क्योंकि ये हमारा 5वां कॉन्टेस्ट है, तो आपको कॉन्टेस्ट 5 करके आपको मेंशन करना है, क्योंकि पिछले 4 कॉन्टेस्ट हो गए थे तो फिर हम लोगों को विनर सर्च करने में भी थोड़ा सा, लकी ड्रॉ निकालने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो अगर आप कॉन्टेस्ट का नाम भी साथ में दे दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कॉन्टेस्ट की वीडियो, और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स थे। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जो लोगों ने कॉन्टेस्ट विन किया था, जो लोग के नाम लकी ड्रॉ में आए थे, तो उनकी फ़ोटोज हम चला रहे हैं लगातार। तो ये हमारे लकी विनर्स है। इस तरह से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों को शेयर कीजिए, और आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप भी कुछ ना कुछ इनाम जीत सके हमसे। तो दोस्तों, कल ईद है, तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे चैनल की तरफ से भी आप सभी को ईद की मुबारकबाद। आप बेशक ईद मिलिए, ईद आप सबकी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप सभी की ईद खुशहाल हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।